This is my first ever winter haul on this channel, so I'm very much excited. Especially, winters are coming, so I'm more excited. Winter is my favorite season because of two specific reasons. Firstly, because you get to wear all these cute, colorful sweaters, and secondly, you actually can step out from your home in the daytime also, which seems kind of impossible in the summer, and especially if you're living in Rajasthan, next to impossible. So, I'm very excited for this season, especially for this video.

एक्चुअली ड्रेस पेरी से चार स्वेटर ऑर्डर किए हैं एंड दिस इज दर्स्ट वन पॉस्टली इसका जो कलर है बहुत ही ज्यादा प्रटी है ग्रीन का शेड है स्क्रीन पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है सामने से थोड़ा फेडेड सा ग्रीन है बट सीरियसली गाइज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है इसकी जो है वीन नेकलाइन है और यहाँ पे कलर वाली डिटेल दे रखी है और जो कॉलर है उसके ऊपर हो रखी है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर और पिंक कलर का जो है इस कलर के ऊपर बहुत अच्छा सा पॉप आ रहा है फुल स्लीव का स्वेटर है स्लीव के अंदर भी एक्जेक्टली exactly वही केबल नेट दे रखा है और यहाँ पे स्लीव के एंड में आपको वापस अगेन मिल जाए वो रिब्ड वाली डिटेल जो है वो रिब्ड है एज जो हर स्वेटर के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको मिल जाएगी केबल नेट वाली डिजाइन इसका जो फिटिंग है वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आया है नॉर्मली जो आप साइज पहनते हो कुर्ता के अंदर लाइक like, नॉर्मली मैं कुर्ता के अंदर मीडियम साइज पहनती हूँ आप जब आप वेयर पहन रहे हो ताकि आप उसे आराम से लेयर कर सको अगर आप उसके नीचे शर्ट पहन रहे हो या टी शर्ट पहन रहे हो कुछ भी जो भी आप पहन रहे हो तो आप आराम से उसको फिटिंग आपकी बहुत ज्यादा टाइट ना हो सो जस्ट गोवा साइज आप एक फैब्रिक का बना हुआ है फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट

पिंक कलर है जो हर लड़की का फेवरेट है मेरा वन ऑफ फेवरेट कलर है इसका जो पिंक है थोड़ा फेडेड वाला पिंक है बहुत ज्यादा प्रटी लग रहा है पूरे तो स्वेटर के ऊपर ये व्हाइट कलर के फ्लॉर्स बन रखे हैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ये स्वेटर इस टाइप के जो पुलोवर्स होते हैं उनका फायदा ही होता है ये आपसे पांच साल पहले भी स्टाइल में चल रहे थे ये अभी भी ट्रेंड में चल रहे हैं और आने वाले पांच साल बाद तक भी ये ट्रेंड में चलते रहेंगे इनका जो फायदा है ये है कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं इसकी लेंथ अगेन काफी अच्छी है फुल स्लीव का स्वेटर है इसका जो फिटिंग है अगेन मैंने इसे लार्ज साइज में लिया है और मुझे फिट आया बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा स्वेटर है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा स्किन को अगर आप इसको शर्ट वगैरह के साथ स्टाइल करोगे बहुत ज्यादा अच्छा लुक निकल के आने वाला है बिकॉज जो शर्ट की कॉलर होगी इसे बाहर आके बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगी आप अपनी ब्लू डेनेम चाहे ब्लैक डेनेम किसी के भी साथ इसको पहन सकते हो पिंक कलर एक्चुअली सभी के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है मैंने इस वाले स्वेटर को एट थर्टी नाइन रुपीज के अंदर खरीदा है कम्प्लीटली प्राइस बट गाइज मिंत्रा पे जो प्राइसेस हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं लास्ट ईयर मेरी बहन ने कुछ नवंबर या अक्टूबर के अंदर फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के अराउंड एक कार्डिगन खरीदा था और जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ वो थाउजेंड प्लस हो गया और पूरे सीजन के अंदर उस स्वेटर का जो प्राइस है वो थाउजेंड प्लस ही रहा तो नाउ इज द परफेक्ट टाइम अगर आप अपना स्वेटर कार्डिगन पुलोवर कुछ भी खरीदने की सोच रहे हो बिकॉज अभी प्राइसेस जो है वो थोड़े से लो है पर जैसे ही सर्दी थोड़ी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी प्राइसेज गोना हाइक्स आइनो अभी सर्दी इतनी ज्यादा नहीं पड़ी है सबको लोगों को लगेगा की अभी से विटरवेयर क्यों खरीदना है बट बिलीमी गाई पर जैसे ही नवंबर या दिसंबर स्टार्ट हुएगा प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे ये वीडियो जो अंडर थाउजेंड था। रुपीज है ये एक्चुअली अंडर टू थाउजेंड अपने आप बन जाने वाला है वन आई एम ऑलरेडी वेरिंग दिस ब्लू कलर का कार्डिगन एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड मस्त एंड हाबर फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस ब्रांड आई एम मस्ट सी आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद क्वालिटी ऑफ दिस ब्रांड बहुत ज्यादा कम्फर्टेल है ये जो है एक कार्डिगन है सो so डेफिनेटली इसका सामने से जो है बटन क्लोजर है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मैंने इसको अगेन लार्ज साइज के अंदर खरीदा है सो थोड़ा सा बैगी वाली फिटिंग आ रही है इसकी बट आई एम वेरी मच लाइकिंग इट द फिटिंग एंड ऑल वेरी कंफर्टेबल के अलावा ब्लू एंड व्हाइट का जो एक कॉम्बिनेशन है आई अडोर दिस कॉम्बिनेशन जब भी मैं ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ देखती हूँ चाहे वो कुर्ता सेट हो चाहे वो ड्रेस हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और ये वाला भी जो है वन ऑफ माई फेवरेट है फ्रॉम दिस हॉल दैट इज वाई एम वेरिंग इट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुंदर सा पीस है बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है कि जो लेंथ है इट्स नॉट टू शॉर्ट इट्स नॉट टू लॉन्ग एकदम पॉसि सी है अगर आप अपने वेस्ट एरिया को लेके जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये वाला कार्डिगन जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुल ओवर के साथ वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो वेस्ट एरिया पे जो है अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं सो कार्डिगन इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू तो आप आराम से कार्डिगन के बटन खोल के भी इसको आराम से पहन सकते हो सूट वगैरह के साथ आराम से कार्डिगन चले जाते हैं नेक्स्ट जो स्वेटर है वो है ये स्वेटर वेस्ट और बहुत ज्यादा प्रिटी बहुत ज्यादा क्यूट सा स्वेटर वेस्ट है दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रांड ट्रेसपरी लाइक सेट की मैंने चार ऑप्शन पिक किए हैं दिस इज द थर्ड वन इसके अंदर जो ये हार्ट है हार्ट शेप वगैरह बने हुए हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है अगेन अ ब्लू ऑप्शन डेफिनेटली मैंने कहा मेरा वन ऑफ फेवरेट कलर है सो so डेफिनेटली आपको ब्लू ज्यादा मिलने वाले हैं इसके अंदर जो है ये पूरा हार्ट शेप्स बने हुए हैं येलो कलर के अंदर और ब्लू कलर के अंदर ये हार्ट शेप बने हुए पूरा कलर जो है सब कुछ इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है स्वेटर वेस्ट के साथ में आप एक्चुअली अपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट कर सकते हो पेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे जाते हैं ये वाला जो है आप अपनी क्रीम कलर की पेंट के साथ या अपनी ब्लू डेनिम के साथ डाल के देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है इसका जो फैब्रिक है अगेन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये वाला जो स्वेटर वेस्ट है ये एक्चुअली तीन चार और कलर के अंदर अवेलेबल है बट पर्सनली मुझे ब्लू के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था मैंने इसको साइज मीडियम में ऑर्डर किया है एक्चुअली मैं इसे स्मॉल में भी ऑर्डर कर सकती थी क्योंकि स्वेटर वेस्ट में आपको कोई बैगी लुक नहीं चाहिए होता सो आई एम गोना चेंज इट विद साइज स्मॉल के अलावा लेयरिंग के लिए भी स्वेटर वेस्ट जो है वो बेस्ट रहते हैं बिकॉज आप उसके ऊपर अपना ट्रेंच कोट वगैरह भी डाल सकते हो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है एक शर्ट पहनी इसको डाला ट्रेंच कोट डाला एंड आप अपना सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट जो स्वेटर है दिस इज फ्रॉम ब्रांड टोक्यो टॉकीज ये वाला जो ब्रांड है अगेन मैंने टॉप्स के अंदर बहुत बार ट्राई किया है टोक्यो टॉकीज के जो प्राइसेस हैं दे आर वेरी रीजनेबल उनके टॉप्स की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग द स्वेटर लोवर की जो क्वालिटी है अगेन ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है इनके प्राइसेस स्वेटर्स के अंदर भी एक्चुअली काफी रीजनेबल है बहुत ज्यादा स्टाइलिश स्वेटर है एक्चुअली आज जितने भी स्वेटर मैंने लिए उसमें से सबसे ज्यादा स्टाइलिश ऑप्शन यही है बोट नेकलिन के साथ आपको ये स्वेटर मिल जाएगा और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है क्योंकि स्लीव्स और यहाँ पे कोई भी स्टिचिंग नहीं है तो ये जो है बहुत ज्यादा बलून वाला लुक दे रहा है यहाँ पे बहुत स्टाइलिश लग रहा है आपको दिख रहा है ये स्वेटर किस तरीके से पूरा कहीं कोई स्टिचिंग नहीं है पूरा स्ट्रेट ऐसा लग रहा है जैसे शॉल की तरह इसकी स्लीव जो है काफी बलून वाला लुक दे रही है थ्री क्वार्टर स्लीवस का स्वेटर है और स्लीवस के यहाँ पे आपको मिल जाएगी रिप डिटेलिंग उसके अलावा यहाँ पे इतना बैगी सा लुक क्रिएट कर रहा है बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है अगेन पिंक कलर है बहुत ज्यादा प्रटी है इसका जो पिंक है वो एकदम आइसक्रीम वाला पिंक होता है स्ट्रॉबेरी वाला पिंक वो वाला पिंक है इसको मैंने सेवन थर्टी नाइन रुपीज में खरीदा है बहुत ज्यादा सही प्राइसिंग है गाइस जिस स्टाइल का ये स्वेटर है उसके हिसाब से

परफेक्ट रेड है बिल्कुल भी मरून के क्लोज नहीं है जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है एक्चुअली सामने से उतना ही प्रिटी रेड है इसकी जो है राउंड नेकलाइन है इसकी और काफी ज्यादा क्यूट सा स्वेटर है मैंने इसको लार्ज साइज में ऑर्डर किया है और काफी बैगी वाला लुक दे रहा है मुझे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला जो स्वेटर है एक्चुअली इसका फैब्रिक जो है सबसे ज्यादा सॉफ्ट है सारे स्वेटर के अंदर जितने भी मैंने रिसीव किए उसके अंदर से इस वाले स्वेटर को एक्चुअली मैंने इलेवन हंड्रेड फोर्टीज के अंदर खरीदा है सो दिस इज द ओनली पीस जो मैंने थाउजेंड के बियॉन्ड जाके खरीदा है बट गाइज दिस वॉज लुकिंग सुपर क्यूट ऑन मॉडल और आई एम सुपर हैप्पी दैट आई बॉट दिस वन बिकॉज इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है तो थाउजेंड रुपीज के अंदर भी एक्चुअली ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है फ्रॉम ब्रांड स्ट्रीट नाइन और इस वाले ब्रांड के सारे स्वेटर्स को इतने ज्यादा अच्छे रिव्यू मिल रखे थे कलेक्शन इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे खुद को इतने सारे स्वेटर्स लेने का मन था बट मोस्टली जो स्वेटर के प्राइसेस थे, थे तो मुझे a इस एक को कर लेते हैं अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हम आगे और ज्यादा ट्राई कर लेंगे बट सच में इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है कंप्लीटली वर्थ इट्स प्राइस मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी नेक्स्ट वन जो है अगेन फ्रॉम ब्रांड ड्रेसपेरी और ये वाला जो है ड्रेसपेरी का लास्ट ऑप्शन है अगेन ग्रीन कलर के अंदर है ये जो है काफी सिंपल पुल ओवर है सामने की तरफ से इसके अंदर कोई भी डिजाइन नहीं दे रखा है प्लेन पुल ओवर है और राउंड नेकलाइन के अंदर आपको ये मिल जाएगा बट इसकी स्लीव की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है स्लीव के ऊपर आपको मिल जाएगी ये पूरी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सिंपल सा पुल ओवर है बट इस वाले का क्या है कि आप नॉर्मल मार्केट में भी इसको पहन के निकल सकते हो आप कॉलेज में भी इसको पहन के जा सकते हो ऑफिस में भी पहन के निकल सकते हो सिंपल चीजों का फायदा यही है कि आप उनको बहुत मल्टीपल वेस्ट के अंदर ट्राई कर सकते हो ये वाला जो है पहनने में कंफर्टेबल भी काफी ज्यादा है अगेन इसको मैंने लार्ज साइज में ऑर्डर किया था थोड़ा सा बैगी फिटिंग दे रहा है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है पहनने के अंदर इस वाले को जो है मैंने 779 सेवेंटी के अंदर ऑर्डर किया है प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा पीस है घर के अंदर अगर आप कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पहनना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आपको चाहिए कि थोड़ा स्टाइलिश रहना है सो यू कैन गिव इट अ ट्राई वैसे तो बहुत ही सिंपल सा को लोबर है बट स्लीव की वजह से स्टाइलिश हो जाता है बहुत ही म्यूटेड सा ग्रीन कलर है बहुत ही प्रिटी लग रहा है पहनने पर इसको आप आराम से अपनी ब्लू डेनिम के साथ स्टाइल कर सकते हो अपनी ब्लैक डेनिम के साथ स्टाइल कर सकते हो दोनों ही कलर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है नेक्स्ट वन जो है वो है ये ब्लैक कलर का पुल ओवर एंड दिस इज अ टर्टल नेक पुल ओवर बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं टर्टल नेक वाले स्टाइल का भी है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है हमेशा स्टाइल में रहता है उसके अलावा आप इसको बहुत सारी तरीके से स्टाइल कर सकते हो आप इसके ऊपर आराम से कोई भी स्वेटर वेस्ट डाल के इसको लेयर कर सकते हो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है दस वन इज फ्रॉम ब्रांड नाइनटी डिग्री ये वाली जो ब्रांड है इसके स्वेटर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यू डले हुए इस वाले को भी फोर प्लस स्टार मिले हुए थे काफी सारे लोगों से सो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई एंड आई एम क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है इस वाले स्टाइल के स्वेटर्स का यही है कि अगर उनके अंदर स्ट्रेच नहीं दे रखा होता तो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं बट इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा स्ट्रेच दे रखा है उसकी वजह से पहने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मैंने इसको लार्ज साइज में ऑर्डर किया है फिट्स मी परफेक्टली स्ट्रेच की वजह से भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है पहनने में इसका जो फेब्रिक है बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्लैक कलर के अंदर है ब्लैक ऑलवेज मेक्स यू लुक थे सो दैट्स अ प्लास्ट पॉइंट डेफिनेटली मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पंद उसके अलावा इसके ऊपर वर्टिकल लाइन

ज्यादा अच्छा है सो so इसके लिए मुझे लगता है कि इसका प्राइस कंप्लीटली है. टर्टल नेक के साथ ट्रेंच आई थिंक ऑप्शन और अवेलेबल है अगर आप ट्राई करना चाहते हो मुझे ब्लैक में बहुत अगेन बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा है स्किन को सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज आई होप यू गाइज लाइक वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको सा स्वेटर सबसे ज्यादा पसंद आया है मीट यू गाइस वेरी वेरी सुन टेल देन टेक केयर